जी हाँ स्टूडेंट, अगर आप वो एनओएस के वो स्टूडेंट जिन्होंने अक्टूबर और नवंबर के लिए अप्लाई किया था और अब वो जो है एग्जाम देने जा रहे हैं जो अभी इस वक्त नवंबर और दिसंबर में स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पहली बार जो है एनओएस का कोई पब्लिक एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उनके मन में बहुत सारे विचार होते हैं कि क्या क्या वहाँ पर होगा, क्या क्या चीजें आपको लेकर जानी है, किस तरीके से वहाँ पर एग्जाम आएगा, कैसे आपको वहाँ पर देना है और किन चीजों का ख्याल रखना है जिसके कारण उनको कोई परेशानी ना हो। तो मेरा आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, कुछ नई महत्वपूर्ण जानकारियां भी मिली हैं उनको भी लेकर मैं आया हूँ, तो आप सबके सामने मैं शेयर करना चाहता हूँ सारी बातें, ताकि आप देने जा रहे हैं एग्जाम तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या का समाधान ना करना पड़े। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह गुसाई, एनओएस एक्सपर्ट। ये चैनल है आपका वीसीआईसी गुरुजी। वीसीआईसी गुरुजी एक ऐसा चैनल है एनओएस का जो सारी अपडेट और सारी छोटी छोटी जानकारी आप तक लेकर आता है आपके मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन के जरिए, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब करा है तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बनिए हमारे परिवार का हिस्सा ताकि इस तरीके की जानकारी आपको मिलती रहे। हम लोग बात करने जा रहे हैं आज उन स्टूडेंट्स की जो नवंबर और दिसंबर में एग्जाम देने जा रहे हैं। उन स्टूडेंट्स को मैं साफ तौर पर ये बताना चाहता हूँ, देखिए सबसे पहले आप लोगों के पास अपना एनआईओएस का हॉल टिकट होना जरूरी है, थ्योरी का हॉल टिकट। थ्योरी के हॉल टिकट में बकायदा आपकी फोटो दी होती है और उसमें डेट वाइज मेंशन किया होता है कि किस दिन पे किस तारीख पे कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम आपका होने जा रहा है, और साथ ही साथ में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उसके नीचे भी दी होती है जिसमें आपका टाइम मेंशन होता है कि किस समय आपको वहां पर पहुंचना है, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका एग्जाम सेंटर। मैं ये वीडियो इसलिए भी लेकर आ रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम भी बहुत सारे स्टूडेंट ने ये गलती करी थी, उनको लगता है कि जो उनका स्टडी सेंटर है जहाँ पे उन्होंने अपने टीएमए सबमिट करा था वहीं पे उनको एग्जाम देने जाना है, और थ्योरी के हॉल टिकट को ढंग से देखे भी नहीं उन्होंने सीधा अपने जो है स्टडी सेंटर पर एग्जाम देने गए जहाँ पर उन्हें पता चला कि एग्जाम यहाँ पर नहीं है, वो तो कोई और एग्जाम सेंटर में। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर ये निवेदन है, एक बार अपने हॉल टिकट को ऊपर से लेकर बिल्कुल लास्ट पॉइंट तक 10 मिनट देके पूरे ध्यान से पढ़ लीजिए, ताकि कोई भी आपको जो है जानकारी ऐसी न रह जाए जिसके कारण आपको समस्या का समाधान करना पड़े। तो अब यहाँ पे मैं बात करने जा रहा हूँ एग्जाम सेंटर की। एग्जाम सेंटर हो सकता है आपका स्टडी सेंटर ना हो, वो कोई और जगह हो, कोई और सिटी हो जहाँ पे आपको देने जाना है, उसको प्रॉपरली पढ़ लीजिए। अगर आपकी जानकारी में वो सेंटर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको उसकी जानकारी है कि ये कहाँ पर है, इसका एड्रेस कितना है, कितने किलोमीटर दूर है, आपको कितना समय लगेगा वहाँ पहुँचने में, उस सबकी जानकारी अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई ऐसा एग्जाम सेंटर आया है जो आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, या फिर आपकी जानकारी में नहीं है कि इसमें कितना समय आपको घर से लेकर वहां तक लगेगा जाने में, तो मेरा आपसे निवेदन है एग्जाम होने से पहले ही एक बार वहां पर विजिट जरूर कर लीजिए, जिस भी माध्यम से आपको एग्जाम देने जाना है। अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल, अपनी मोटरसाइकिल, एक्टिवा या कार के थ्रू जो है जाएंगे तो उस कार को या उस एक्टिवा को लेकर जाइए, ताकि आपको पता चल सके कि कितना समय जो है आपका वहां पहुंचने में लगेगा। और या फिर अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएंगे तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही यूज कीजिए, और तब आपको सही जानकारी मिलेगी कि कितना समय आपका वहां पहुंचने में लगेगा। और मेरा सभी स्टूडेंट से एक ही चीज कहना होता है, जब भी कोई परीक्षा देने जाओ कम से कम वहां पर 1 घंटा पहले यानी 1 घंटा पहले आपको मौजूद होना बहुत जरूरी है। उसमें आपको जो है वहां पर हॉल टिकट दिखाना पड़ेगा जो आपका एनओएस का हॉल टिकट रिलीज हुआ है, साथ ही साथ में आपका एनआईओएस का आई कार्ड, जो आई कार्ड आपको एडमिशन कंफर्म होने पर इशू हुआ था। 3 चीजें यहाँ पर महत्वपूर्ण होती हैं, आपका आधार कार्ड जो कि आपका पास होता है सभी के पास, साथ साथ में आपका जो है एक ये आपका हॉल टिकट, और तीसरे नंबर पे आपका जो है एनओएस का आई कार्ड। तो ये तीनों चीजें अगर आपके पास रहती हैं तो आपको कोई भी समस्या का समाधान नहीं करना पड़ेगा और आसानी से आपको जो है वहां पे प्रवेश मिल जाएगा। और सही समय पे पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप सही समय पे पहुंच जाते हैं तो हड़बड़ाहट नहीं होती है और आपकी परीक्षा भी आराम से होता है। ध्यान से पढ़िए, आपकी जो डेट शीट है वहां पे दोनों क्लासेस सेकेंडरी का भी सीनियर सेकेंडरी का भी इन्फॉर्मेशन दिया है, लेकिन आपको अपनी क्लास की इन्फॉर्मेशन पढ़ना वहां पे बहुत जरूरी है। सेकेंडरी बोले तो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए वो जानकारी दी होती है, सीनियर सेकेंडरी बोले तो वो क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए जानकारी दी होती है, और ऑल इंडिया सेंटर यानी कि ऑल इंडिया एग्जाम्स के जो सेंटर्स है वो वाली डेट शीट आपको देखनी है, ना कि ओवरसीज वाली डेट शीट, जो मैंने आपको एक बार लास्ट वीडियो में भी बताया था कि डेट शीट के टॉप
में जो है अगर आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे, माफ कीजिएगा राइट साइड में, अगर आप टॉप पे देखेंगे तो वहां पर आपको दिया होता है इंडिया ओवरसीज वाली डेट शीट आपको यूज नहीं करनी है, क्योंकि वो जो है आउट ऑफ इंडिया की कंट्रीज, जिन कंट्रीज में एनओएस एग्जाम कंडक्ट कराता है उनके लिए वो डेट शीट है, आपके लिए नहीं है, आपके लिए ऑल इंडिया एग्जाम सेंटर्स वाली डेट शीट है। तो यानी कि डेट शीट को ध्यान से देखना है, फिर उसके बाद हमको ये ध्यान से देखना है कि हमारा एग्जाम किस दिन हो रहा है और किस समय में हो रहा है, वो ध्यान रखना है। साथ ही साथ में आपको ये ध्यान रखना है एग्जाम सेंटर आपका कहाँ पर है, और उसके बाद ये ध्यान रखना है कि कितने समय, कितने बजे से लेकर कितने बजे तक का एग्जाम है, हमको कैसे वहाँ तक पहुँचना है, वहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, और ये सब जानकारी रखते हुए आपको एग्जाम देना है। और एग्जाम की प्रिपरेशन अगर अभी आप तक नहीं हुई है, आप अभी तक परेशान हो कि मैं एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं हुई है, एग्जाम कैसे दें, तो उसके लिए हमारा एनआईएस सक्सेस मंत्रा कोर्स जो इस वक्त बहुत ही प्रचलित हो चुका है और बहुत ही पॉपुलर हो चुका है किसके बीच में, आप सभी स्टूडेंट्स के बीच में, और बहुत सारे स्टूडेंट इसको ले रहे हैं और जिन्होंने लिया है उसको अप्रिशिएट भी किया है, लास्ट टाइम मैंने बताया था, आप भी आइए एनआईएस सक्सेस मंत्रा कोर्स को लीजिए और कम समय में अपनी एग्जाम की तैयारी करके अपने एग्जाम को क्वालिफाई करिए। आप एग्जाम को अगर क्वालिफाई करेंगे तो उसमें हमारे को भी प्राउड होगा कि हमारे सब्सक्राइबर हैं या हमारे जो फॉलोवर्स हैं उनको हमारी मदद से जो है इस तरीके से आसानी से परीक्षा को क्वालिफाई कर सके। इसके अलावा अगर आपको किसी और जानकारी में वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, जरूर लेकर आएंगे वो वीडियो। और कोई समस्या आपको है एडमिशन से रिलेटेड, आपका मार्कशीट में कोई करेक्शन है, या फिर आपका कोई एडमिशन में एड्रेस चेंज करना है, या कोई आपका जो है सब्जेक्ट ऐड करना है, कोई भी इस तरीके की समस्या हो तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। ऐसी कोई भी सेवा के लिए आप हमसे संपर्क करिएगा, और इसी तरीके की वीडियोज मैं लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।